हम सब बचपन से कुछ ज्ञान अपने माँ बाप से अपने समाज से सुनते आए हैं ऑल ऑफ अस स्पेशली हिंदुस्तान में तो हम बहुत सारा ज्ञान सुनते आए हैं बचपन से ही कभी कहानियों के माध्यम से कभी किसी सत्संग के माध्यम से कभी किसी भजन के माध्यम से वी बिन लिस्टिंग अ लॉट ऑफ ज्ञान बट आर वी लिविंग आर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट ज्ञान वट एवर गैट वी हर्ड इन इन आर लाइफ फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट टू गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल ओके टफ एग्जाम्पल से शुरू करते हैं थोड़े इंटेंसिव एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बचपन से हम देखते आए कि हम हमारे आस पास लोग मरते रहते हैं पीपल कीप ऑन डाइंग अराउंड राइट और ये पेंडेमिक uh, ने में हमने बहुत देखा सो मैनी पीपल वी नो लॉस देर लाइफ्स Right? जिंदगी में परमानेंस तो नहीं है यह सब समझ में आया हमें एनीबडी हुई no. इस ज्ञान को क्या हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया जो भी हम जीवन में कर रहे हैं क्या इस ज्ञान को कॉन्स्टेंटली याद करके कर रहे हैं दैट दिस इज नॉट परमानेंट Are we doing it or no? Okay, before that chalo, ek aur ले Do we all agree that there is nothing permanent in this life? Everybody? Okay. तो क्या हम अपना जीवन उस तरह से जी रहे हैं? Are we conducting our life like that? Yes or no? Why? When we know the truth. <laughs> why are we not conducting our life based on that? we saw somebody dying, but bhi bahut future security, we saw this guy dying, no? what, cyrus Mystery, one of the richest men. but we're still trying to gather a lot of money or things that we call माई वाई हम सब ज्ञान को सुनते हैं हम सब ज्ञान को जानते हैं हम सब सत्य को भी जानते हैं बट किसी ना किसी वजह से उसको झुठला देते हैं वो वजह क्या है लेट्स टॉक अबाउ दैट टूडे वी वॉन्ट टू सेट सर्टन फाउंडेशन सो दैट टूमारो वी कैन स्टार्ट टू बिल्ड समथिंग ऑन दैट बुद्ध ने इसके बारे में तीन चीजें कही मैंने उसमें दो चीजें और जोड़ी पांच चीजें हैं आई वॉन्ट यू टू टेक रेफरेंस ऑफ दिस इसको आप लिख लेना इसमें एक छोटा सा होमवर्क भी है क्योंकि पहला सत्य बुद्ध ने कहा कि हम ऐसे घड़े हैं जो उल्टा पड़ा हुआ है इस वजह से हम सत्य पकड़ नहीं पाते हम वो घड़ा है जो उल्टा पड़ा हुआ है कहने का भाव क्या हुआ कि बारिश हो रही है और मैं वो घड़ा हूं जो उल्टा पड़ा है तो बारिश का पानी उसमें जा नहीं रहा कहने का भाव यह हुआ बुद्ध का इसको समझना आप आराम से कि जिस समय ज्ञान की बात हो रही है या मैं ज्ञान को सामने देख रहा हूं आई एम नॉट देयर एट दैट टाइम अंडरस्टैंड वट आई एम सींग घड़ा है मैं वहां हूं उस समय बट माई अटेंशन इज समवेयर एल्स सो फॉर एन एग्जाम्पल आई सॉ अ डेट पर्सन मैं हूं वहां पे एज अ बॉडी बट माई अटेंशन इज समवेयर एल्स मैं उस प्रोसेस को इतनी शिद्दत से नहीं देख रहा कि वो मेरी रियालिटी बन जाए डू यू अंडरस्टैंड मैडम सिंह मैं उस प्रोसेस को या उस ज्ञान को उस शिद्दत से नहीं सुन रहा कि वो मेरा सत्य बन जाए अगर तुम ज्ञान को उतनी शिद्दत से सुन लोगे तो सुनना ही वो सत्य बन जाएगा लिसनिंग हैज अ लॉट ऑफ पावर बट घड़ा अपसाइड डाउन है यू आर हेयर बट यूर नॉट हेयर योर अटेंशन योर कॉन्शियसनेस योर फोकस योर चेतना वो कहीं और है वो पूरी तरह से यहां केंद्रित नहीं है अभी तो क्या इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप में से कितने लोगों को अभी थोड़ा सा थकावट और नींद जैसा भाव महसूस हो रहा है बिकॉज यू ट्रेवल्ड द होल नाइट एक्सेट्रा बी फ्री कैन रेज रिज हैंड ओके सो दिस बिट ऑफ टायर्डनेस ये टायर्डनेस आपकी बॉडी से ज्यादा आपके दिमाग में है ये सर ना बिकॉज दिमाग को आपने अलाउ किया इस मोमेंट पे टू बी टायर्ड you may not be here 200% when i'm saying this you could be listening to this but tumhari chetna ekdam arjun ki aankh ki is vishay nahi hai 80% hogi shayad 70% hogi shayad 50% hogi 100% nahi hogi just an example are you experiencing this or no what i just said because of little bit of mental thakavat एकदम ऐसे शार्पनेस नहीं है शार्पनेस से क्या मतलब हुआ समझ लो अभी मैं एक तलवार निकाल के तुम्हारी गर्दन पे रख दू एकदम। तो क्या तुम अभी भी उतने ही थकावट महसूस कर रहे हो अपने माइंड में ये नो सडनली तुम्हारा पूरा सिस्टम फुली चार्ज होगा जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड राइट दैट्स फर्स्ट केस कि घड़ा है जहां ज्ञान घट रहा है मगर घड़ा उल्टा पड़ा हुआ है तो ज्ञान के पानी की बूंदें उस घड़े में जा ही नहीं पाती बिकॉज चेतना कहीं और है या चेतना डल है कहीं और से दो मतलब है इधर यूर थिंकिंग अबाउट समथिंग या चेतना थोड़ी सी डल है इस समय जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया मेंटल फटीक मेंटल फटीक में चेतना डल हो जाती है चेतना डल है तो तुम रिसीव नहीं कर पाते दैट्स द फर्स्ट केस होमवर्क विच यू शुड डू टू नाइट बिफोर यू गो टू बेड जीरो से टेन के स्केल पे थोड़ा सा चिंतन मनन करना अपने जीवन के बारे में जीरो से टेन के स्केल पे टेन बीइंग द हाईएस्ट अपने आप को स्वयं को रेट करना कि यूजुअली जिंदगी में यूजुअली नॉट इन दिस सत्संग यूजुअली इन जिंदगी में तुम्हारा घड़ा कितना परसेंट सीधा या कितना परसेंट उल्टा होता है जीरो टू टेन के स्केल पे जिस मोमेंट तुम जहां होते हो तुम क्या पूरी त्वरता यानी पूरी इंटेंसिटी से पूरे जोश के साथ पूरी अवेकनिंग के साथ वहां होते हो या नहीं इन जनरल स्केल इज जीरो बींग द लोएस्ट टेन बींग द हाइएस्ट स्वयं को रेट करना तुम्हारी रेटिंग नहीं पूछ आई विल नॉट आस्क यू योर रेटिंग आपको अपनी रेटिंग पब्लिकली नहीं बतानी होगी बट स्वयं के लिए नोट करना है इसको सो वी नो वेयर वी आर अभी क्लियर बुद्ध की बात करें तो बुद्ध का ही एग्जाम्पल वी नो द स्टोरी हाउ बुद्धा गॉट नॉट अवेकंड नॉट एनलाइटेंड बुद्ध की यात्रा कैसे शुरू हुई थी ही सॉ ओल्ड मैन डाइंग मैन अ सिक मैन अ मैन इन सॉलिट्यूड जिसका कोई ध्यान नहीं रखना जस्ट सींग दैट ही सेट बॉस कुछ तो करना पड़ेगा आई डोंट वॉन्ट दिस आई नीड टू फाइंड अ वे आउट कुछ तो इसका रास्ता होगा वट वॉज द डिफरेंस बिटवीन हिम एंड अस उस समय बुद्ध की चेतना उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे टू हंड्रेड परसेंट थी हिज माइंड वॉज नॉट डल हिज चेतना वॉज नॉट स्कैटर्ड इन टू अदर थिंग्स दो पॉइंट याद रखना नोट कर लेना यूजअली हमारी चेतना स्कैटर्ड होती है या हमारा हमारा माइंड डल होता है किसी वजह से कभी कभी हमारा माइंड डल होता है कुछ बैगेज की वजह से कि वो फंडिंग नहीं आई वो ऑफिस में ये चल रहा होगा बीवी को ये कहा था पति को वो कहा ऑल ऑफ दैट इट कीप इट मेक्स योर माइंड लिटल डल तो दो इशूज हैं स एंड डिस्ट्रैक्टिवनेस पॉइंट नंबर वन जिसपे हमें स्वयं को रेट करना है कि मटका घड़ा पूरा उल्टा पड़ा है मगर उल्टा पड़ा है एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको इसका शायद अठारह सौ तिरानवे की बात है इसका मैंने जिक्र किया है पहले भी शायद अठारह अच्छा तिरानवे की बात है जब जे आर डी टाटा भारत से एक शिप में बैठ के अमेरिका जा रहे हैं और उस शिप में स्वामी विवेकानंद भी हैं और ये दोनों एक दूसरे को नहीं जानते उस शिप पे उस डेक पे सागर को देखते हुए स्वामी विवेकानंद और जे आर डी टाटा की मुलाकात हुई स्वामी विवेकानंद जागरूक चेतना ट्वेंटी फोर आर मैन एन जी आर डी टाटा इज ऑल्सो शार्प मैन नॉट डल मैन ही नोज हाउ टू बिल्ड फोकस बोथ ऑफ दम मेट फॉर बार एन आर ऑन द शिप नो बडी नोज वो वार्तालाप क्या हुई उस शिप पे किसी को इसके बारे में पता नहीं क्योंकि कोई किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया कुछ उसके बारे में किन्हीं लोगों ने लिखा है अभी बट श्योरिटी से किसी को भी नहीं पता उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई मैं भी बताऊंगा आपको क्या बातचीत हुई बट उससे पहले उसका असर बताता हूं उस एक मुलाकात के बाद जे आर डी टाटा वेन ही वेंट बैक टू इंडिया उनको समझ में आ गया कि मेरा काम क्या इस नेशन के प्रति दैट इज द टाइम वेन जे आर डी टाटा एज टाटा ग्रुप स्टार्टेड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन उससे पहले वो बिजनेस बिल्ड कर रहे थे अब उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे इंस्टीट्यूशन की स्थापना करनी शुरू हुई वहीं से सूत्रपात हुआ एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का वहीं से सूत्रपात हुआ टिस्क का ये बीज वहीं डल गए थे क्या हुआ उस मीटिंग में उस दिन? दे? मेरे देखे स्वामी विवेकानंद ने रतन टाटा के अंदर सर्व कल्याण के बीज डाल दिए लोका समस्त नाम भवंतु ओ जे आर डी टाटा और कर्मा, लोग का समस्त सुखी नाम भवंतु तुम्हें सिर्फ अपने इंप्लॉइज के लिए काम नहीं करना तुम्हें भारत के फ्यूचर के लिए भी काम करना है और वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब तुम इंस्टीट्यूशन सेट करोगे और तुम कर सकते हो इस भवानी भारती को आगे लेके जाओ जे आर डी टाटा दो सीड्स वर द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग हिस्ट्री इन इंडिया अगर हिंदुस्तान में आई आई सी जैसे टेस्ट जैसे या न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी जैसे इंस्टीट्यूट नहीं होते तो आज हम वहां नहीं होते जहां हम है इन तीन चार इंस्टीट्यूश का योगदान रहा है हाउ डिड इट हैपन एन मीटिंग बिटवीन टू स्वामी विवेकानंद एटर्नली अवेकंड जे आर डी टाटा ह्यूमनली अवेकंड दो अवेकन बींगस का संगम हुआ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे हिस्ट्री बदल गई हिंदुस्तान की दैट्स द पार ऑफ दिस उस दिन जे टाटा का घड़ा उल्टा नहीं पड़ा था बिल्कुल सीधा था बारिश की बूंदें समा गई उस घड़े में हिंदुस्तान का निर्माण हुआ पार ऑफ टुगेदर? जीरो टू टेन के स्केल पे आज रात को मनन करना और अपना स्कोर लिखना कि यूजुअली तुम्हारी स्थिति क्या रहती है